हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बनाने जा रहे हैं गोभी की यम्मी खीर। तो आइए चलिए बनाते हैं। यहाँ पे हमने एक बड़ा सा गोभी का फूल ले लिया था और उसको अच्छे से धुल के उसके फूलों को काट लिया है और उसका डंठल को फेंक दिया है, आप देख सकते हैं। फिर हमने 5-6 पापे बिस्किट का चूरा कर लिया है, कुछ ड्राई फ्रूट ले लिए हैं, काजू और बादाम उनको काट लिया है। हमने गोभी को अच्छे से उबाल लिया है और जब ये गोभी अच्छे से उबल गई तो अब इसको हम छान लेंगे। पूरी तरह से इसका पानी निचोड़ देंगे। देखिए, हमने पानी निचोड़ने के लिए रख दिया है गोभी को। हमने तकरीबन 1.5 किलो दूध ले लिया है, फुल क्रीम वाला, आप देख सकते हैं इसमें कितनी क्रीम है। इसको हमने 5-6 उबाल दे दिए हैं और उसके बाद इसे ठंडा कर देंगे। फिर इसमें हम गोभी डाल देंगे। हमने फ्लेम को खोल दिया है और इसको धीरे धीरे चलाते रहेंगे और एक ही दिशा में चलाना है ताकि दूध फटने ना पाए। दोनों दिशा में चलाएंगे तो खीर फट जाएगी। तो अब हमने इसमें जो बिस्किट ले लिए थे पापे, उसका चूरा कर लिया था, वो हमने इसमें डाल दिया है और इसको भी चलाते रहेंगे और इसको खूब अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे हमने थोड़ा सा पीला रंग डाल दिया है ताकि गोभी में कलर आ जाए पीला, और देखिए हम इसको धीरे धीरे चला रहे हैं ताकि दूध लगने ना पाए। आप देख सकते हैं बहुत तेज खौलने लगी है खीर, उबाल आने लगा इसमें और इसको हम चलाते रहेंगे। देखिए गाढ़ापन इसमें आ गया है। अब इसमें हम शक्कर छोड़ेंगे। हमने 2 चम्मच शक्कर डाली है, आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो ज़्यादा डालिए और इसको खूब अच्छे से चला दीजिए ताकि शक्कर फूट जाए और आपस में घुल जाए। इसमें हमने इलायची पाउडर डाल दिया है 1/2 चम्मच। बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है और आप दोस्तों देख सकते हैं कितनी आसान तरीके से यह खीर बन गई है और बिना खोए के खीर बनी है। जो भी खाएगा उसको यह जरूर टेस्ट लगेगा कि इसमें खोया पड़ा है, मगर इसमें खोया नहीं है दोस्तों। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट डाल देंगे और मिक्स कर देंगे।
बहुत ही आसान तरीके से बनाई हुई खीर। और दोस्तों प्लीज इसको जरूर बनाएं और सबको खिलाएं, देखिए कितना अच्छा टेस्ट आता है, जो भी खाएगा बहुत तारीफ करेगा। देख लीजिए हमारी खीर एकदम तैयार है, बन गई है, तो इसको हम किसी चीज में निकाल लेंगे। हमने खीर को निकाल लिया है और ड्राई फ्रूट ऊपर से डाल देंगे सजावट के लिए। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि हमारी खीर आपको जरूर पसंद आएगी। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं, एक अच्छा सा कमेंट दें। बाय बाय।